किया है, जो मेरी पहली वाली जो FIR है मेरे जो पापा ने करवाई है वो इसी चीज़ पे है, क्योंकि उसने मुझे दो कौड़ी की बोला था और नीच जात की बोला था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पर कंप्लेन कराई है। बट उस टाइम पे मेरे पास कुछ सबूत नहीं थे, क्योंकि सरकार सबूत मांगती है, पुलिस सबूत मांगती है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग CCTV फुटेज नहीं दे रहे थे, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता राहुल गांधी जी दलित परिवार को, दलित समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि दलित समाज के लोग उन आगे बढ़ें, तरक्की करें। IAS वो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, IPS हमारे समाज के लोग हैं, डॉक्टर, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो भी हमारे समाज से बिलोंग करती है। तो फिर इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में भी दबंग रही हूँ और आज भी दबंग रही हूँ। तुम मुझ पर कितना भी हमला करा दो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जी जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पूरी जो भीड़ थी उसमें सब ऊंची जात के ही लोग थे या कोई दलित वर्ग के भी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया? अगर दलित वर्ग के थे और हमला किया तो उन्होंने क्यों हमला? पहली बात तो जितनी भी औरतें थी उनको मैं बाय नाम से जानती हूँ, मैं किसी कास्ट पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। बस मुझे इतना पता है उनमें से कोई भी मेरे समाज की लड़की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे समाज की औरत होती तो शायद वो मुझे इस तरह नहीं देखती। और मुझे समझ में नहीं आता कि वहाँ पे धरना दिया जाता है बेटियों के आरक्षण के लिए, सब चीज़ों के लिए, यही औरतें जो कांग्रेस में जो ये औरतें हैं ना, ये जो महिला अध्यक्ष की जो ये लड़कियाँ थी जो संदीप के कहने पे धरना देती है, प्रोटेस्ट करती है, क्या इनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई है कि आप तो एक तरफ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का धरना दे रही हो और एक तरफ आप मुझे बोल रही हो, दीदी का नाम मिट्टी में मिला रही हो, थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम दीदी का तो लिहाज करते, प्रियंका दीदी का तो लिहाज करते। उन्होंने मतलब अपना एक, क्योंकि ये जो दोहा था जो क्या बोलते हैं इसको, स्लोगन जो है ये उनका ही दिया हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उस पर मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि मैं आज तक लड़ते आई हूँ। और मुझे लगता है कि हर लड़की को दबंग होना चाहिए। बट जो ये औरतें थीं जिन्होंने ये सब चीज़ें की है और वार्तालाप पे मौजूद रही हैं, ये इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का नाम मिट्टी में मिला रही हैं। जी जी, आपको लगता है वीडियो भी वायरल हो गया, दीदी तक ये नहीं पहुंचा होगा? और अगर पहुंचा होगा तो उन्होंने फिर क्यों एक्शन नहीं लिया, आपसे बात क्यों नहीं की, मामले की जानकारी क्यों नहीं? देखो इसके अलावा और भी जो भी कांग्रेस के बड़े नेता देखा जाए तो फिर जो भी बड़े अहदे पर बैठे हैं किसी का भी रिएक्शन नहीं आया अब तक। जी आप कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो मेरे अंदर बाबा साहब का खून है, और दूसरी चीज़ मैं धोखेबाज लड़की हूँ नहीं। आज मैं कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मैं रहूँगी हमेशा। फिर चाहे अगर वहाँ से मुझे निकाल दिया जाता है तो फिर वो अलग बात है कि ठीक है मैं निकल गई, बट मेरे रगों में ये गद्दार खून नहीं है। मैं पार्टी में आई हूँ दीदी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ राहुल गांधी के लिए, मैं पार्टी में आई हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं संदीप जैसो को मेरे नज़रों में उन लोगों की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं अपने समाज के लिए काम कर रही करूँगी और मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। नेता रामदास अठावले जी से इस विषय पे बात की, क्योंकि ये विषय पे वो काफी गंभीरता से लेते हैं और वो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो आपने उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अभी मैं सच बताऊं मैं कल ही आई हूं अपनी जान बचा के, क्योंकि मैं दिल्ली में सेफ नहीं थी। उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठी हूं तो ये लोग मेरे पीछा भी कर रहे थे, काफ़ी दूर तक पीछा किया गया है, और बस मुझे पता है मेरी जान कैसे बची है। मेरा मुद्दा ये था कि मुझे मुंबई आना था, इसलिए मैंने दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेफ नहीं हूँ। अभी मैं कल आई हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ लोगों, मतलब जो मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, नहीं होना चाहिए था। धीरे धीरे चीज़ें देखूंगी, मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी, राहुल गांधी जी से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो ही चीज़ें समझ पाएंगे, वरना लोग तो भड़काने वाले बहुत हैं। मैं राहुल गांधी जी से भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, प्रियंका दीदी आपसे मिलना चाहती हूँ,
प्लीज इस चीज पे आप सीरियसली लें, क्योंकि सच में कह रही हूँ ये लोग अपनी पार्टी को नीचे गिरा रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे अच्छा आपने अभी कहा कि प्रियंका मैम से अच्छे ताल्लुक है आपके, जी कंटिन्यूअसली बात होते रहती, तो क्या फोन पे कभी ट्राई नहीं किया इस इंसिडेंट के बाद बात करने की? जी, जो नंबर दीदी ने मुझे दिया था वो नंबर चेंज हो चुका है और वही नंबर अब संदीप सिंह के पास है, तो मेरा अभी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है उनसे डायरेक्ट बात करने की, मैं आपको सच बता रही हूँ। जी मैंने क्या किया है, मैंने ना, मैं कोई भी काम करती हूँ मैं बता के करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है मैं सडनली चली गई और मैंने कि ठीक है गेट खोला मैं सडनली चली गई। मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आ रही हूँ और मेरे पापा मेरे साथ आ रहे हैं और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने कार्यालय में नहीं गई, तो एक तरह से लोगों के मन में ये है कि मैंने पार्टी छोड़ दी है या मैंने राजनीति छोड़ दी है, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने छोड़ी नहीं है, बस कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ चुका था तो मैं केप टाउन में बिजी थी। और रही बात कर दूँ, हाँ तो मैं बस उनको यही बताना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा नहीं है, मैंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं केप टाउन में थी। अर्चना, कांग्रेस को ऑलवेज चाहिए कि यू नो लड़की अपने लिए खड़ी हो और लड़कियों के एम्पावरमेंट को लेकर बोलते हैं, अगर उनकी खुद की पार्टी के लीडर या आप यू नो उनकी पार्टी के ही लड़कियां अगर सेफ नहीं है तो वो दूसरों को कैसे बचाएंगे? और आप भी आज अगर मिसाल नहीं, मुझे उम्मीद है कि मुझे कॉल आएगा और दीदी मुझे बुलाएंगी और राहुल जी भी मुझे बुलाएंगे और मैं बात करूंगी उन लोगों तक। मुझे लगता है कि अभी तक बात ये पहुंची नहीं है क्योंकि कल का इंसिडेंट है और वो लोग भी अभी थोड़ा सा इवेंट्स में बिजी हैं, उनकी सभा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज़ें पता चलेंगी उनको तो वो इस चीज़ पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे नहीं लगता, नहीं नहीं सच में जी सब जगह वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक का कोई भी आपके लिए सपोर्ट में नहीं आई है कोई लीडर बीजेपी की तरफ से समर्थन मिल रहा है? कोई राहुल गांधी सवाल से जा रहे बीजेपी लीडर लगातार नहीं नहीं वो लोग मुझे जो लगता है जहाँ तक लगा है अभी तक उन तक ये बात नहीं पहुंची है, बट जब तक ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक के वो मुझसे मुझे लगता है कि कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट हाँ आई होप कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें आपके माध्यम से मीडिया, तभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शायद उनको पता नहीं होगा रियलिटी की क्या हुआ है, तो रियलिटी यही हुआ है कि संदीप के लोगों ने मेरे पे जानलेवा हमला करवाया गया, उसके इशारों पे ही महिला वो आई थी और उन्होंने मेरी जो दुर्गति की थी वो आप लोगों ने सबने देखी है। अर्चना जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में यू आर नॉट फीलिंग सेफ, तो आप यूपी में ये जाकर क्या आप अपना एफआईआर दर्ज कराएंगे और योगी जी से आप मिलने की कोशिश करेंगे, अपनी जो पीड़ा है वो आप बताएंगे? मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कांग्रेस की हूँ, थी और हमेशा कांग्रेस की ही रहूंगी, जब तक दीदी खुद से मुझे नहीं निकालेंगी तब तक मैं पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो ये मेरा मुद्दा है क्योंकि मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि पार्टी पे कोई भी आँच आए। और जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी को खाने वाले और पार्टी को तकलीफ पहुँचाने वाले, मैं उनका सारा चिट्ठा राहुल गांधी जी तक पहुँचा के रहूंगी किसी भी कीमत पर। तो मुझे मेरा मुद्दा ये है कि उनके पार्टी में जो लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी की निंदा करने वाले और कराने वाले हैं, उनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि उनकी मेहनत सारी पानी में फिर रही है, संदीप जैसे लोगों जो है। अगर ये बात उनको पता चलती है भी, अगर वो कोई एक्शन नहीं ले के इतने बड़ी हां और उन्हें अगर ये बात पता चल जाती है कि आपके साथ ऐसा हुआ, फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका क्या एक्शन? अभी सोचा नहीं है, मैं सोच के बताऊंगी, अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, बस एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पक्का मतलब इस चीज पे जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, एक उम्मीद है। 110%
नहीं नहीं 110% मुझे 110% मुझे यकीन है, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं कल आ रही हूँ वो संदीप जी के ही किसी खास को दी थी, तो उन्होंने ही उनको बताया है और ये प्लानिंग हुई है, क्योंकि जो वो औरतें आप देख रहे हो वीडियो में वो लखनऊ से स्पेशल आई थी इसी चीज़ के लिए। अर्चना जी मेरा सवाल आप जैसे कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन दिल्ली, तो आप यूपी में जाकर कंप्लेन एफआईआर दर्ज कराएगी और क्या आप मुख्यमंत्री से आप मिलना पसंद करेगी योगी जी से कि आपको इंसाफ मिले, क्योंकि आप कह रहे कि लखनऊ की महिला थी तो कहीं ना कहीं आपके षड्यंत्र हुआ है और आपके मारपीट हुई है, तो क्या आप यूपी में जाके एफआईआर कराएंगे और योगी जी से आप मिलेगी? मैं देखो मैं एफआईआर को तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसाइड करेगा ना मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी सबके सामने चीज़ें आ चुकी है, तो आई विश कि ये मैटर लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का सब लोगों को पता चले कि ये क्यों हुआ है। और रही बात एफआईआर की, क्योंकि अगर मैंने एफआईआर करवा दिया तो मतलब मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं है, मैं नहीं चाहती कि ये एफआईआर हो या ये हो, बट अगर मुझे लगेगा ज़रूरत लगेगी हाँ मुझे करनी है एफआईआर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है और ये सब चीज़ें सबको दिख रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरी पार्टी की बदनामी होगी तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहूँगी। जी ये सब आपके साथ एकदम खुले आम हुआ और आप कह रही हैं कि एफआईआर नहीं करवाएंगे, तो फिर नेक्स्ट आपके साथ यही हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने उसके लिए एक लेटर दे दिया है दिल्ली में, एक लेटर दे दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है तो सबको पता चलना चाहिए, और सच में मैं अपनी पार्टी की बदनामी नहीं चाहती हूँ, तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा एक्शन लेने वाली हूँ आगे और आगे सोचूंगी। तो बात ही नहीं है, जब वो कांग्रेस पार्टी से ही थे जिन लोगों ने आपके ऊपर मतलब जो हमला किया, हाँ। तो इसमें बदनामी की बात ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि वो उसी पार्टी से है, तो आप अभी भी बदनामी की सोच रही हैं, अपनी जान की नहीं सोच रही हैं? सोच रही हूँ। आई डोंट पार्टी को नहीं, देखो पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है, प्रियंका दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, राहुल गांधी ने भी दिया है, तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती, और बस यही है। और रही बात एफआईआर की, संदीप पे एफआईआर करूंगी, वो तो मैं करूंगी। अर्चना जाते जाते ये जानना चाहेंगे आखिरी सवाल, हाँ